इमेजेस का चैप्टर शुरू कर चुके थे और हम ये ज़रा जिक्र कर रहे थे कि भाई पिक्चर का क्या सीन है। तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें सीखी थी। नंबर एक कि एक बेसिक पिक्चर, एक पहली इमेज अपनी वेबसाइट में आपने लगानी कैसे IMG के टैग के ज़रिए, और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी थी कि इमेज जो हम लगाते हैं तो वो स्क्रीन पर फॉर्म कैसे होती है, पिक्सल्स क्या होते हैं, और वो इमेज पिक्सल से बनती कैसे, और पिक्सल से ही फिर वो रेंडर कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मज़ीद बुक में इस बारे में ये कह रहे हैं कि चूजिंग इमेज फॉर योर साइट, कि अ पिक्चर कैन से 1000 words एंड अ ग्रेट इमेज हेल्प मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज लुकिंग साइट एंड अ रियली इंगेजिंग वन। तो पिक्चर कैन से 1000 words, इसका क्या मतलब हुआ? पिक्चर बोलती तो नहीं है, पिक्चर में किया हुआ काम बोलता है। अच्छा, तो मतलब इसके कहने का ये है कि जो एक पिक्चर को दिखाकर जो मैसेज कन्वे किया जा सकता है, अगर वो मैसेज शायद हम लिख के कन्वे करें ना, तो शायद हमें 1000 words लिखने पड़े उस मैसेज को कन्वे करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक ठीक है, मैं एक इमेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। ये काइंड ऑफ ये मैंने इमेज लगाई आपके सामने, तो इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाट डू यू सी? पीछे बीच भी है, आसमान थोड़ा सा ब्लू है, बादल बादल हैं उसमें, ठीक है, बॉटल में शायद शैम्पेन पड़ी हुई है, एक फोर्क वोर्क रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसकी एक अलग डिटेल है। सही है, सामने कुछ एक दो लोग भी हैं, पानी है, पानी में ज़्यादा लहरें नहीं हैं, थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है पानी। सही है, तो फिर ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये वाली, व्हाट इज़ दिस? हाँ, ये असल में रेस्टोरेंट के अंदर से ली गई फ़ोटो है, तो रेस्टोरेंट की ये दीवार है शीशे की जो हमें इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब इसमें अब टेबल किस कलर का है? खाना जो है वो प्लेट में नहीं रखा हुआ, एक लकड़ी के स्क्वायर तख्त पे पड़ा हुआ है। बॉटल ग्रीन है, बॉटल एक बाल्टी के अंदर पड़ी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली इस बाल्टी के अंदर बर्फ़ होगी जिसमें यह पड़ा हुआ है। तो शायद मैंने 500 word तो बोल ही दिए, 500 और बन ही जाएंगे इसके नई नई करके। ठीक है, तो एक पिक्चर जो होती है, अब जैसे ये पिक्चर है, ये इतना कुछ कन्वे कर रही है जो शायद कुछ, जैसे इसमें कुछ इमोशंस हैं इस पिक्चर में कि बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं, ये इमोशंस तो वर्ड्स के ज़रिए कन्वे किया ही नहीं जा सकता। तो पिक्चर जो है वो बहुत अहम है आपकी वेबसाइट के लिए, और जब बात आती है कि चूजिंग इमेज फॉर योर साइट, तो ये बहुत ही अहम होता है। जब भी इसने कहा है कि अब कहाँ लिखा है इसने, अ ग्रेट इमेज कैन हेल्प, तो अगर आपने अच्छी इमेज चूज़ की है अगर अपनी वेबसाइट के लिए, तो यही वो डिफरेंस हो सकता है जो आपकी साइट को एवरेज लुकिंग या इंगेजिंग वन बनाएगा। यही वो डिफरेंस हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये वो डिफरेंस हो सकता है। ग्रेट इमेज अगर आपने चूज़ कर ली तो यहाँ पे आपका बहुत सारा काम निमट जाता है। तो और ऑब्वियसली जो पिक्चर होता है उसमें जब एक सीन बंदा देखता है तो एक बंदे का मूड सेट होता है, ठीक है, मूड सेट होता है। आपको पता है डिफरेंट मूड्स होते हैं, ठीक है, मूड इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग जो जिसका आपकी साइकोलॉजी से डायरेक्ट ताल्लुक है। तो जब आप एक अच्छा सीन देखते हैं, एक अच्छा लैंडस्केप देखते हैं, या आप ग्रीनरी देखते हैं, या आप कोई इमोशनल फोटो देखते हैं, तो आपका मूड सेट होता है, चेंज होता है, जो अभी है एग्जिस्टिंग उससे चेंज होकर किसी और मूड पर सेट होता है वो, ठीक है। तो एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है ये, अगर आप किसी को वेबसाइट नहीं, कोई भी किसी भी चीज़ में आप इंगेज करना चाहते हैं बंदे को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि द
बंदे का मूड चेंज किया जाए, ठीक है। अगर कोई बंदा गुस्से में और वो रेस्टोरेंट में आके बैठा है तो वो गुस्सा भूल के उसका फोकस भूख पे होना चाहिए, गुस्सा भूल के उसका फोकस भूख पे होना चाहिए। यही वजह है कि आप जितने भी फूड के चेन्स वगैरह हैं और ये मैकडोनल्ड के एफसी वगैरह, इनके बैनर पे, इनकी दुकानों में, इनके हैंडआउट में, इनके मेन्यू में कहीं ना कहीं पे येलो और रेड का इस्तेमाल किया जाता है, और एक ख़ास शेड होता है येलो और रेड का जिसको देखने की वजह से ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आपकी भूख बढ़ जाती है, ठीक है। आपका ध्यान, भूख तो लगी भी होती है ऑब्वियसली आपको जब भी आप वहाँ पर गए, लेकिन आपका दूसरी चीज़ों तवज्जो हट के भूख पे ज़्यादा फोकस आ जाता है आपका, और यू स्टार्विंग होने लगती है, और अंदर फिर वो सैंडविच की वो टपकती हुई फ़ोटो भी उन्होंने बनाई हुई होती है, उससे और ज़्यादा मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आप अपने यूज़र को किसी तरह इंगेज कर पाएँ इन चीज़ों में, ठीक है। तो आपका मूड ऑब्वियसली सेट होता है, तो आपका जो अभी ये नीचे सारी ये वाली डिस्कशन होगी कि इमेज कैन बी यूज टू सेट द टोन ऑफ द साइट इन लेस टाइम इट टेक्स टू रीड अ डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू हैव अ फोटोग्राफ एंड दिस 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 योर वेबसाइट। कह रहे हैं कि यार अभी आप ना आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है, ये चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा शायद, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर कोई आएगा उसको पढ़ के वो समझे, बेहतर ये है कि एक फ़ोटो सामने लगी हुई उसको देखते ही उसको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये शूज़ बिकते हैं इस वेबसाइट पर, देखते ही उसको आइडिया हो जाए, ठीक है। या अगर कोई, जैसे मैं अभी एप्पल की वेबसाइट पर जाता हूँ तो उस देखते ही मुझे पता चल जाए कि यार कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है कंपनी, कंप्यूटर्स बनाती है कंपनी, ठीक है, उसको देखते ही अंदाज़ा हो जाए। कोई जैसे अभी मैं रेबैन की वेबसाइट पर अगर जाऊँ, ठीक है, तो वेबसाइट पर जाते ही कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेबैन का पता है उनको, अच्छा क्या बनाती है ये कंपनी, पिक्चर देख के, जो बाकी लोग जिनको नहीं पता रेबैन का उनसे पिक्चर देख के क्या फील हो रहा है, ग्लासेस है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपकी जो इमेज है ना वो फॉरेन सेट हो जाता है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम वी मेक ग्लासेस, ठीक है, फाइंड योर स्टाइल मेक योर ओन, बस ये लिखा है इसमें, इस डिस्क्रिप्शन में ग्लासेस का जिक्र कहीं नहीं किया इन्होंने, लेकिन पिक्चर देख के आपको फील होता है कि यार ये ग्लासेस की कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ से ग्लासेस की सारी स्टोरी शुरू हो गई है, कहानी शुरू हो गई है। वेल क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो आपकी फ़ोटो में होनी चाहिए, अभी ये तो सारी बात हो गई ना कि ग्रेट फोटो, इंगेजिंग, मतलब व्हाट मेक्स अ फोटो ग्रेट, कौन सी ऐसी बात है, वो यहाँ पे इन्होंने पांच पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है उस चीज़ को। नंबर एक, बी रेलेवेंट, कि आपकी फ़ोटो ना रेलेवेंट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो अभी हमने रेबैन की वेबसाइट देखी है उसमें एक फ़ोटो थी जिसमें एक बंदे ने चश्मा पहना हुआ था और एक बंदी ने चश्मा पहना हुआ था, बच्चा भी तो हो सकता था वहाँ पर, लेकिन बच्चा इज़ नॉट रेलेवेंट, बच्चा इज़ नॉट देयर टारगेटेड ऑडियंस। उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है रेबैन का, वो बड़े एडल्ट्स हैं और लड़कियां और लड़के हैं, मतलब 18-20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग हैं जो उनका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। बिल्कुल छोटे बच्चे उनका टारगेट ऑडियंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कराची में एक ब्रांड है बच्चा पार्टी के नाम से, उनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, बच्चे हैं, ठीक है। तो बी रेलेवेंट होना चाहिए, आपको पता है जो अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप की जो कलर की चॉइस है वो अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पे आप जब बच्चा पार्टी अगर किसी ने देखा है या उनकी वेबसाइट किसी ने देखी है तो वहाँ पे बहुत ही भड़कीले किस्म के जख्मी कलर होते हैं, बच्चों को शायद वो पसंद आते हैं, ठीक है। यही वजह है कि कार्टून नेटवर्क वगैरह भी आप लगाएं तो वहाँ पे कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे और काफ़ी भड़कीले किस्म के होते हैं, ठीक है, रिच कलर्स होते हैं, एक ही स्क्रीन पर 10-10, 12-12 कलर होते हैं और सारे रेड और येलो के डार्क किस्म के शेड्स होते हैं, तो शायद वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन एक टीन एज को वो कलर पसंद नहीं आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह एक अंकल को वो कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। तो एज, डिफरेंट एज ग्रुप, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी कलर की चॉइसेस चेंज होती हैं, इसी तरह मेल और फीमेल में कलर की चॉइसेस जो है वो
डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब ये डिज़ाइन की डिस्कशन है पूरी, ये हम इसको कवर नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। हमने डिज़ाइन की एक गुफ्तगू पहले भी थोड़ी सी की है लास्ट क्लास में, तो आपके जो मिसाल के तौर पर आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं वेबसाइट किसके लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट जो है वो किस एज ग्रुप को टारगेट करती है। जेंडर तो ऑब्वियसली फीमेल है ब्यूटी पार्लर, ठीक है, और एज ग्रुप क्या होता है? थर्टीन फिफ्टीन से प्लस, ठीक है, क्योंकि अभी 13-15 में वो बोलते हैं कि यार घर वालों से रिस्ट्रिक्शन होती है ना मेकअप वेकअप, तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम लड़के हो, लेकिन 13-16 तक जो है ना कुछ घरों में रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं भाई मेकअप वेकअप नहीं, थोड़ा मतलब परहेज करवाते हैं, तो 16 के बाद बोलते हैं चलो भाई अभी शुरू हो जाओ, और उसके बाद जो ऑनवर्ड्स शायद 30 तक जाता है, नहीं जो मोस्ट विजिटेड है पार्लर वो मेरे ख्याल है 30-35 तक है, उसके ऊपर वाले जो है वो आते हैं, ज़ाहिर है आती तो 60 साल की भी आंटी होंगी, तो लेकिन वो ओकेजनली जाती होंगी, जो रेगुलर विजिट्स हैं वो शायद 30 तक होता होगा मेरा ये ख्याल है। तो क्या कहते हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए, अच्छा पता होना नहीं होना नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस है ना, तो आप अलग से गूगल कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप को कौन से कलर्स पसंद होते हैं, कर सकते हैं ना गूगल, तो ये चीज़ आपको पता चल गई, मतलब डिज़ाइन सेंस आपके यहाँ से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि भाई कौन से कलर्स में रखूँ, ठीक है, तो क्या चीज़ें पसंद होती हैं क्या चीज़ें नापसंद होती हैं। वेल तो ये हमने देखा कि बी रेलेवेंट, तो इररेलेवेंट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई आईफोन की वेबसाइट है और उसके अंदर मतलब डॉग्स वॉग्स बने हुए, डॉग्स तो फ़ोन यूज़ भी नहीं करते, मतलब कहने का कि हो सकता है वो कोई अपना स्टोरी उसके साथ कनेक्ट करेंगे, डॉग को भी रेलेवेंट कर दें वो बात अलग है, लेकिन वो उस सिनेरियो में रेलेवेंट होना चाहिए। वेल कन्वे इन्फॉर्मेशन, फोटो जो है ना उसके लिए ज़रूरी है आपकी वेबसाइट पे जो आप लगा रहे हैं, और ये पॉइंट्स हैं जो राइटर के ख्याल में, उस ऑथर के ख्याल में जिसने ये बुक लिखी है, अगर ये पॉइंट्स आपकी इमेज में होता तो यू हैव अ ग्रेट इमेज फॉर योर वेबसाइट। तो कन्वे इन्फॉर्मेशन कि आपकी फ़ोटो को देख के ना उस बंदे को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ, और अब इसमें जो फ़ोटो है इसको देख के आपको क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहा है, फ़ोटो को जो लिखा हुआ है उसकी बात नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन तो कन्वे कर रहा है काफ़ी सारा कुछ कन्वे कर रहा है, लेकिन क्या कन्वे कर रहा है? अच्छा एक चीज़ और गौर कीजिएगा, ये जो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ ना, आपका जो ब्रेन होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, वो बहुत सारी चीज़ों को परसीव करता है, वो परसेप्शन हो गया आप सबका, वो कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था ना वो आपके सबकॉन्शियस ने वो कर लिया परसीव। अब जो सवाल जो हो रहा है ना वो कॉन्शियस ब्रेन से हो रहा है, कॉन्शियस ब्रेन कुछ परसेंट होता है ओवरऑल पूरे ब्रेन का, ठीक है, आपको पता है आपके सब कॉन्शियस ब्रेन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, दैट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ योर कंट्रोल, मतलब एग्री कर रहे हो ना इस बात से कि सब कॉन्शियस आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता, मतलब किसी भी मशीन का एक प्रोसेसर होता है ना, पूरी मशीन उससे चलती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है उसी से सीडी रोम भी बाहर आता है ना, बटन दबाते हैं सीडी रोम बाहर आ जाता है, उसी से पिक्चर भी आ रही है स्क्रीन पे, उसी से माउस भी कनेक्ट है, सब कुछ उसी से कनेक्ट है, तो इंसान का प्रोसेसर क्या है? ब्रेन, ठीक है, तो दिल भी उसी से धड़कता है, सांस भी उसी से लेते हैं, मतलब प्रोसेसर ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह, ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक, जो भी एंजाइम्स अंदर रिलीज हो रहे हैं वो सारे उसी से हो रहे हैं, लेकिन क्या दिल धड़कने पर कंट्रोल है? रोक सकते हो दिल की धड़कन को? नहीं रोक सकते ना, ब्लड के प्रेशर को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जभी तो स्वेटर पहन के बैठे हैं हम लोग सब यहाँ पे। तो कुछ परसेंट होता है जो कॉन्शियस ब्रेन के पास कंट्रोल होता है, जैसे हाथ वाथ हिला लेते हैं, मुंह चला लेते हैं, जुबान लंबी है ना, कुछ काट वाट लेते हैं किसी को, तो इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा चल फिर लेते हैं इधर उधर, ये छोटे मोटे कंट्रोल्स हैं, बाकी तो तमाम आपके पास कंट्रोल नहीं होता, आप जो देखते हैं वो आपका ब्रेन कैसे उस पर परसेप्शन लेता है उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता,
ठीक है, सम टाइम आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ना छोटा सा, उसको सम टाइम समझ आ जाता है, सम टाइम उसको समझ नहीं आता, वो कहता पता नहीं क्या है ये, लेकिन सब कॉन्शियस अपना काम कर रहा है पीछे, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, यही वजह है कि सम टाइम आप कोई चीज़ देखते हैं, आप देख रहे होते हैं और आप फ़ोन पे भी हैं, और सामने से बंदा पूछता है कि यार तुम क्या देख रहे हो, तो आपको वो बताने में ना थोड़ा जुमला कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो तो सब कॉन्शियस ने देखा है, कॉन्शियस ब्रेन ने तो नहीं देखा। अब कॉन्शियस ब्रेन उसको समझता है कि यार मैं उसको कैसे बताऊँ ये क्या बोल दिया, अभी क्या हो रहा है ये, समझ रहे हो? तो कॉन्शियस ब्रेन से सवाल हो रहा है कि यार ये इमेज जो आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है? सब कॉन्शियस ने तो कर लिया जो करना था। पहली बात तो ये कि भाई बता रहा है कि ऐसा दिखता है, ऐसा होगा मतलब ऐसा ही है, और हाँ ये कन्वे हो रहा है कि दो मॉडल हैं, एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा, मतलब कितना बड़ा कितना छोटा है वो रेशो नहीं, मतलब रेशो ही जो दिख रहा है ना, दिखने में फील हो रहा है कि एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाफ और बिल्कुल डबल वाला सीन नहीं है, शायद 10% का फर्क है हाइट में दोनों के, एक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई है इससे। और डिफॉल्ट वॉलपेपर शायद पता चल रहा है जी, टाइम भी बता देता है फोन, मतलब वॉलपेपर जो होगा ना इसका जो फ्रंट पे के टाइम किस तरह से आता है, ये इस दफा इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो उन्होंने बोला चलो इस तरह से आएगा, नॉच को थोड़ा सा शॉर्ट किया है, वो भी फील हो रहा है पिछले वाले वर्जन से। हाँ डायनेमिक आइलैंड नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हाथ में लेने के बाद कितना फील होता है, कितना बड़ा फील होता है, वो भी शायद ये कन्वे कर रहा है ऐसा है क्या? नहीं यार, ये हाथ इन्होंने जानबूझ के ना न्यूट्रल रखा है बिल्कुल, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कोई और किसी और को ऐसा लग रहा है कि एक हाथ लड़के का एक लड़की का है? मतलब कौन सा वाला लड़के का कौन सा वाला लड़की का? तुम्हारा वाला लेफ्ट, एक ही है यार। नहीं असल में प्रोजेक्टर पे ना ये उतना ज्यादा शार्प नहीं दिख रहा जितना मेरे पास दिख रहा है, तो मुझे मेरी स्क्रीन पे जो लग रहा है उससे तो आई एग्री कि दोनों सेम है। वेल तो मे बी अलग हो, मे बी आपको लग रहा हो अलग हो, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। ठीक है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, जैसा कि आप देखेंगे ये ब्लैक हाथ है, ये वाइट भी हो सकता था, कि ब्लैक क्यों है? ब्लैक लाइव मैटर है, सही है, तो ब्लैक आजकल थोड़ा मार्केट में ही ना, तो इसलिए जहाँ जहाँ पे उसका एडवांटेज लिया जा सकता है ले रहे हैं भाई। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन? बटन वटन सारे इसके दिख जा रहे हैं कि भाई किधर क्या बटन है, सही है, और कैमरा भी इसका दिख रहा है कि इस तरह का कुछ है कैमरे का लेंस। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ना इससे कन्वे हो रही है, मतलब अगर ये पिक्चर नहीं होती इसकी जगह इसको लिखा जाता तो ये सारी बातें हमें बतानी पड़ती, और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको जानने में एक यूज़र इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम इमेज ना इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके अब होम पेज पे आ जाएं जो हमने पहले विजिट किया था, ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है इस वाली इमेज से, बल्कि ये तो वीडियो है ना, इस फोटो से बताओ चलो। ये तो बहुत इसने जबरदस्त पॉइंट पकड़ा है, कह रहे एक तरफ ब्राउन रखा है एक तरफ वाइट, तो कह रहा है काले गोरे का मसला नहीं है अभी इसमें, अभी सब पहन सकते हैं इसको, सही है। तो वेल बिल्कुल सही कहा यार, एक में सनग्लास दिखाया और एक में आई ग्लास दिखाया उन्होंने, वेल डन। ठीक है, सब कॉन्शियस ने मेरे भी ये देख लिया था लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। तो वेल तो इन्होंने कुछ लुक्स दिखाने की कोशिश की है कि यार हमारे ग्लासेस ना इस तरह लगता है बंदा पहन के, जो इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी होगा वो इन्होंने पहना के बंदा खड़ा कर दिया। वेल अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्वे द राइट मूड। जैसा कि मैंने कलर्स की बात की थी कि डिफरेंट कलर्स देखने के बाद बंदा उसका मूड डिफरेंट हो जाता है, जैसे TCS है, अब TCS का जो रेड है और
जो आपके मैकडोनल्ड का रेड है वो अलग अलग है, सही है। TCS का जो रेड है और जो KFC का रेड है वो अलग अलग है, ठीक है, एक डिफरेंट शेड है। तो उसी रेड का जो भूख लगाता है, उसी रेड का एक डिफरेंट शेड है जो आपको एमरजेंसी फील कराता है, हरी में फील कराता है, ठीक। तो वो TCS का रेड है। TCS में आपको एंटर होते ही वो रेड रेड लगाते हैं, वो हैंड आउट पे डब्बे पे सब जगह कि भाई ये डब्बा एमरजेंसी है, फौरन भेजना है, ठीक है, इस तरह का होता है। हाँ, लेपर्ड का जो येलो है वो भी डिफरेंट है, वो रेड नहीं है। तो शायद वो सिक्योर फील कराता है येलो कलर। हाँ, लोगों से वो एक कन्वे करने की कोशिश करते हैं यार फास्ट है, लेपर्ड है। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये तो हम ऐसे मतलब तुक्के मारने वाला केस नहीं है, ये हमें ना बाई द बुक चलना होता है इन चीज़ों को लेकर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना साइकोलॉजी ऑफ कलर, सही है, ये मैंने लिखा और ये पहला ही लिंक मेरे पास आ गया। इस तरह की आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी और आपने उसमें से ऑथेंटिक वन देख के जो है ना, अब ये कुछ इसने हिस्ट्री विस्ट्री कवर की है और ये सिंबॉलिक कलर्स बता रहे हैं कि जो मतलब सिंबॉलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं किसी की कि भाई रेड जो है ना वो पैशन, एक्साइटमेंट और लव की पहचान है, मतलब ये फील कराता है, ठीक है। पिंक जो है ना वो सॉफ्ट है, रिजर्वड है, ठीक है, पिंक का मतलब ये है। और ब्लू जो है ना विजडम है, होप है, रीज़न है, पीस। तो आप इन चीज़ों में आपको वो तलाश करना है कि भाई, अच्छा ये जनरल पिंक की बात हो रही है। अब पिंक के बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं जिनका जो अलग अलग मूड सेट कराते हैं बंदे का, ठीक है। इसी तरह रेड में जो है, इसमें कहीं पे इन्होंने हंगर फील नहीं करवाया कि यू फील हंगरी, वो ये जनरल रेड की बात हो रही है जो इन जनरल होता है। अब ग्रीन के बहुत सारे अलग अलग शेड हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल जनरल कलर की बात हो रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना वो जो 255 कलर्स है ना उसका भी ये होता है पूरा। हमारे पास जो CSS में जो कलर नेम्स होते हैं ना, वो 255 कलर नेम्स होते हैं। तो उनका भी ना एक इसी तरह लिस्ट है कि वो हर कलर क्या मूड सेट करवाता है। उसमें रेड के 3 या 4 शेड हैं। तो तो इस तरह के आर्टिकल्स मौजूद हैं, इस तरह का डेटा जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है आपके लिए, ठीक है। तो कभी भी आपके अगर जहन में ये सवाल हो कि यार मुझे ये वाला मूड सेट करना है तो उसके लिए कौन सा कलर होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली उसको गूगल कर सकते हैं। अच्छा, स्टिल ये डिज़ाइनर्स की फील्ड है, ये डिज़ाइनर्स का काम है, ठीक है, वो ये चीज़ें चूज़ करके देते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसर होते हैं तो एज अ फ्रीलांसर आप सम टाइम आपको ही सब कुछ होना पड़ता है, ठीक है। या सम टाइम जैसे कोई लोकल क्लाइंट होता है, छोटा कम बजट है उसका, वो अलग से कोई डिज़ाइनर नहीं हायर कर सकता कि भाई डिवेलपर अलग करे डिज़ाइनर, तो फिर क्या होता है कि आप ही डिवेलपर होते हैं और आप ही डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है। और एज अ डिवेलपर आपको डिज़ाइनर से कई दफ़ा बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत अगर उनकी ज़ुबान आती हो आपको तो अच्छी बात है। अच्छा, इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल, आपकी जो इमेज है ना वो इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर, हाँ, कि वो इसका क्या मतलब है, फास्ट चार्जिंग हो रही है, डबल पावर बनी हुई आ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो इमेज है ना, मिसाल के तौर पे ये इमेज जो इन्होंने टॉप पे लगाई हुई है, ये इजीली रिकग्नाइजेबल है, मतलब देखते ही पता चल रहा है कि फ़ोन है ये। इतना तो पता चल ही रहा है कि भाई फ़ोन है ये, देखते ही पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे कि यार ये बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे यू फोन के ऐड में होता था ना शुरू में, कि पूरा ऐड चलता था, आपको पता नहीं चलता था ये ऐड है किस चीज़ का, आखिर में पता चलता अच्छा था ये यू फोन का ऐड है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं, अभी बीच में पता नहीं कोई दूसरे वाला मथीरा वाला ऐड था, वो पूरा ऐड पता नहीं टेबल टूट रही है क्या हो रहा है, आखिर में पता चलता है ये तो पता नहीं किस चीज़ का ऐड है, ठीक है। तो सम टाइम ये आपके बिजनेस के लिए एडवांटेज हो सकता है, जाहिर है ये तो अब वो बिजनेस वाले बंदे हैं जो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि यार ऐसे करना है। तो स्टिल आपकी जो वेबसाइट है ना, वो उसमें भाई बंदे के पास टाइम नहीं होता, फौरन जाता है, वो फौरन बाउंस हो जाता है उधर। तो आपके पास जो इमेज है ना वो ईजिली रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए,
आपकी जो प्रोडक्ट है ये नहीं हो कि वो ऐसी इलस्ट्रेशन है पता ही नहीं चल रहा वो, मतलब एक एक पेंटिंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो एक पेंटिंग होती है जिसमें कुछ नज़र नहीं आता, देखो तो पता नहीं क्या क्या दिखता है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट। तो जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटो ना, ईजिली रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए। अभी ये जो इमेज है ना ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, ये कुछ भी नहीं बना हुआ, ऐसे ही है ये, मतलब ऐसे ही ब्रश मुरुश मारे हुए इधर उधर। लेकिन इसकी ख़ास बात ये होती है इस पेंटिंग की कि जब आप इसको देखते हैं ना तो आपको ना इसमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। समटाइम बादलों में आपको दिखता है ना, अच्छा यार ये तो पहाड़ जैसा दिख रहा है, अच्छा ये घर बने हुए हैं, ये सीन दरिया बह रहा है, इस तरह समझ रहे हो, तो इसमें वो चीज़ें दिखती हैं। तो थोड़ा जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वैसे वाले बंदे होते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी से आजिज आ चुके होते हैं, उन्होंने सब देख लिया होता है ज़िंदगी में, जो जो देख सकते थे ना उन्होंने सब देखा हुआ होता है। तो फिर वो कहते हैं यार इस तरह का कुछ लगा लो बड़ा सा, तो वो अपने ऑफिस में ना बड़ा सा लगा लेते हैं, तो वो बस हर वक्त देखते रहते हैं उसको, तकते रहते हैं, उनको मज़ा आता रहता है, ठीक है टाइम कट रहा होता है उनका अच्छे से। खैर मजाक की बात है, कोई भी लगा सकता है। हाँ असल में इस तरह की जो पेंटिंग है ना ये भी एक डिज़ाइन है, बाई डिज़ाइन ये उन जगहों के लिए डिज़ाइन की जाती है कि जहाँ पे वेटिंग वेट करना है किसी को बैठ के। अगर आप वेटिंग रूम में ये लगा देना तो बंदा 3 घंटे भी बैठा रहेगा, ये ऑब्वियस बात है। हाँ वो देखता रहेगा टाइम पास हो रहा है उसका, यही वजह है। हाँ नहीं ये साइंस बता रहा हूँ, साइंस है। जो आपने देखा होगा आजकल हेयर ड्रेसर टीवी लगा देते हैं नाई की दुकान में, वो टीवी देखता रहता है बंदा, मूवी चल रही है 2 घंटे से बैठा हुआ है इंतज़ार कर रहा है, बुरा नहीं लगता बैठना, फील नहीं होता। तो वो ये उस ज़माने का सॉल्यूशन था, यानी पिकासो के ज़माने का सॉल्यूशन ये था कि भाई कहीं पे वेटिंग हो रही है ना तो उधर दीवार, इतनी बड़ी दीवार है ना, लाइन से 12 पेंटिंग लगा दो दीवार पे बड़ी बड़ी और एब्स्ट्रैक्ट हो सारी, किसी को समझ ही ना आए क्या बना हुआ। मतलब दो बंदे गुफ्तगू शुरू कर दें आपस में, कह भाई यार इसमें तो ये बना हुआ, वो कहेगा नहीं इसमें ये नहीं बना हुआ, समझ रहे हो, इस चीज़ को इनिशिएट करने के लिए बनाई गई थी। तो वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था कि पैसे वाले लोगों का टाइम नहीं कटता, पैसे वाले लोगों का टाइम कटता है, बहुत अच्छा कटता है, सही है। अच्छा फिट द कलर पैलेट, अभी कलर पैलेट क्या चीज़ होती है, अगर हम मैं यहाँ पे जाऊँगा चूजिंग योर पैलेट, तो इसकी ना कुछ वेबसाइट्स हैं colors.io करके एक वेबसाइट है, इसको देखते हैं। इसमें ना आप अपनी वेबसाइट का ना कलर पैलेट चूज़ कर सकते हैं, जो कलर पैलेट होता है ना आपकी वेबसाइट का, ओ क्या बोल रहा है ये, स्टार्ट द जनरेटर, अरे बच्चा हट जा सामने से एकदम। अच्छा तो ये ना कलर पैलेट जनरेट करने के लिए कुछ टूल्स मौजूद हैं, ये तो एक टूल है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रैंडम आपको पैलेट जनरेट करके देते हैं, तो अरे भाई ये तो मेरे को प्रो बेचने में लगा हुआ ये। ठीक है अच्छा इसमें यार ये कोई ढंग की वेबसाइट नहीं खुली है यार, color.adobe अच्छा, मगर एक और वेबसाइट है जो उसमें ना एक्सप्लोर कौन सा वाला है, ये वाला, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, सही है ये। तो इसमें जो रूल ऑफ थंब है जो डिज़ाइनर्स को आमतौर पर पढ़ाया जाता है वो 60-40-20-10 का रेशो होता है, ये तो इक्वल अभी किया हुआ ना इसने, ये वो वाला इसमें कहीं दिख नहीं रहा, सही है 60-40-20-10 का रेशो होता है। तो एक आपका जो कलर होता है वो प्राइमरी कलर होता है, जो आपकी वेबसाइट के 60% हिस्से में वो कलर नज़र आ रहा होता है। अच्छा और वो कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, वो कुछ इस तरह का होता है, एक पैलेट होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कलर आपकी वेबसाइट में नहीं होने चाहिए, एक सेलेक्टेड कलर्स होने चाहिए। अगर मैं मिसाल के तौर पर Ray-Ban की वेबसाइट पर वापस जाऊँ तो इनका जो कलर पैलेट है वो वाइट है और नीचे एक ब्लैक है, तो दो कलर तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, यानी 60 और 20 वाला मुझे दिख रहा है, 60 और 40 वाला दिख रहा है, नहीं क्या मैंने बताया था 60-40 तो 100 हो गया ना, ये तो गलत बोल रहा था मैं, हाँ
60-20 नहीं, 40-30-20-10 होता है, ये हुए ना पूरे 100 हुए, 40 और 30 और 20-10 ये होता है। तो 40 और 30 वाला तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि 40-30 हो, समटाइम 50-20-20-10 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन रूल ऑफ थम ये होता है। वेल, तो हमें दो कलर दिख रहे हैं, दो कलर और इनके कहीं मेन्यू वेन्यू में होंगे आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे देखो दो कलर में जो और भी दिख गए, एक ग्रे का एक डार्क शेड है और एक थोड़ा लाइट शेड है, समझ रहे हो। तो ये पैलेट है, ये एक ये पैलेट है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो 3-4 इमेज है ना, वो एक बिल्कुल ही पिंक इमेज हो, एक बिल्कुल ही येलो हो, एक बिल्कुल ही ग्रीन हो, ठीक है। मे बी अगर आपने अपना डिज़ाइन ऐसा बनाया है, इट डिपेंड्स, बट आउट ऑफ पैलेट नहीं होनी चाहिए, कि आपके पैलेट के अंदर फिट होनी चाहिए वो इमेज। अगर मैं तुम्हें बेहतरीन एग्जांपल दूँ ना कि पैलेट में फिट होना किसको कहते हैं, तो जो बच्चे नए नए फोटोशॉप सीखते हैं, वो शाहरुख खान की शक्ल हटा के जब अपनी शक्ल लगाते हैं तो वो साफ पता चल रहा होता है कि किसी ने कटिंग की है, और बहुत ही वाहियात कटिंग की है, क्योंकि वो पैलेट में फिट नहीं हो रहा होता, वो पीछे का शेड अलग आ रहा होता है, इधर का शेड अलग आ रहा होता है। तो अगर इस तरह की लग रही है ना आपकी इमेज वेबसाइट पर कि बिल्कुल अलग से ही किसी ने छापी है, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने से इसको लगता है राइटर को कि यार आपकी इमेज ग्रेट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आप इमेज आपने उठानी कहाँ से अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए? आप इमेज जो लेकर आएंगे वो कहाँ से लेकर आएंगे? वो आप लेकर आएंगे स्टॉक फ़ोटोज़ में से, ठीक है। स्टॉक फ़ोटो जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर जो फोटोग्राफर ना फ़ोटो खींच के वहाँ पर सबमिट कर देते हैं और सेल पर लगा देते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम भी अब काइंड ऑफ स्टॉक फ़ोटो की लाइब्रेरी बनता जा रहा है, जो अभी इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने यही किया हुआ है ना कि हर बंदा फ़ोटो खींच खींच के इंस्टाग्राम पे डालता है। वेल, तो इसने भी कुछ बताया हुआ है, गेटी इमेज आई स्टॉक फ़ोटोज़ veer.com, ठीक है। लेकिन मैं अगर जाके लिखता हूँ यहाँ पे गूगल पे कि स्टॉक फ़ोटोज़, तो मेरे पास फ्री और पेड दोनों वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। शटर स्टॉक भी आ रहा है जो उसने बताया हुआ है, pixels.com है, शटर स्टॉक है, अनस्प्लैश जो है वो मुझे थोड़ा सही लगता है। तो आपने यहाँ जाके लिखना है, अब मिसाल के तौर पर मैं बर्गर की दुकान है उसकी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मुझे बर्गर्स की फ़ोटो हो सकता है चाहिए हो। एक तो ये सिचुएशन हो कि मैं वहाँ जाके फोटोग्राफी कर लूँ, लेकिन समटाइम नहीं होती वो अवेलेबल, तो मुझे बर्गर की फ़ोटो चाहिए हो सकती है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर कोई मैं हाईवे पर कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे शायद हाईवे वगैरह की फ़ोटो चाहिए हो सकती है, तो मैं यहाँ पे ना हाईवे लिखता हूँ, तो ये देख रहे हो ऐसी एक फ़ोटो आ गई मेरे पास, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में ये इमेज हो सकती है ना। या इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँ बर्गर, ठीक है जी, तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ गई हैं। तो ये वाली जो फ़ोटोज़ होती हैं, अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैं गूगल पे लिखता हूँ जाके जब भी, तो यही फ़ोटोज़ आती हैं ना, ये कोई आसमान से तो नहीं ला रहा, गूगल पे भी यही सेम फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो मैं गूगल वाली छोड़ के स्टॉक फ़ोटो से जाके क्यों उसको लूँ? क्योंकि नहीं, हायर रेजोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, क्यों नहीं मिलेगा? JPG इस तरह की फ़ोटो हमेशा JPG होती है, वो बुक में भी आगे आ जाएगा कि क्यों होती है ऐसी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ना ओपन इमेज न्यू टैप करूँ, तो ये मुझे फुल रेजोल्यूशन में मिलेगी, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं देंगे ना, इतना ही देंगे वो भी। तो ऐसा क्या रीज़न है कि मैं यहाँ से नहीं उठाऊँगा? गूगल ख़ुद इसको ना फुल रेजोल्यूशन में नहीं दिखाता, ठीक है, और गूगल अपनी जान छुड़ाने के लिए लिख देता है कि इमेजेस मे बी सब्जेक्ट ऑफ कॉपीराइट, भले हो या ना हो, क्योंकि गूगल तो क्रॉल करता है डिफरेंट जगहों से। तो इन पे गालबन किसी ने कोई लॉ सूट वगैरह किया था, उसके बाद से इन्होंने ये करना शुरू किया है, वरना इससे पहले ये फुल रेजोल्यूशन दिखाते थे। तो मतलब किसी की वेबसाइट है ना, Ray-Ban की वेबसाइट है, या गूगल जाता है किसी मतलब फ़ोन की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर, या रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे जाता है, तो वहाँ पे जो फ़ोटो लगी हुई है वो मोस्ट प्रोबली रेस्टोरेंट वाले ने खुद फोटोग्राफी करके लगाई है, मेहनत से बनी है वो, उसकी वेबसाइट है, उसका ऑनरशिप है उस फोटो के ऊपर। अब वो गूगल अपनी वेबसाइट पे दिखा रहा है, google.com पे,
इमेज सर्च के अंदर वो फोटो एज इट इज दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला भाई हम लो रेजोल्यूशन में दिखाएंगे उसी इमेज को, और नीचे हम ये लिख भी देंगे कि ये हमारी इमेज नहीं है, ठीक है, किसी और की इमेज है। तो यहाँ से जब आप इमेज उठाते हैं तो आपके पास, आपको ये कम्प्लीटली पता नहीं होता कि ये इमेज पे कॉपीराइट है, कौन इसका ऑनर है, ये सब कुछ भी पता नहीं होता। ऑन अदर हैंड जब आप यहाँ पे आते हैं ना स्टॉक इमेज पे, और स्टॉक इमेज पे ये भाई आप सब बर्गर आपने ओपन किया अगर ठीक है, नहीं अच्छा बर्गर है यार, खा के बता सकता है बंदा कि कितना अच्छा होगा वैसे तो वेल। तो इसकी अगर आप इन्फो पे क्लिक करेंगे ना, अरे भाई किधर बता रहा है ये, वेल 2006 में पब्लिश, यार एक जगह होती है वहाँ पे ना ये सारी डिटेल बता रहा होता है कि कौन से कैमरे से खींची है, क्या हुआ है, कोई और इमेज खोलता है। हाँ ये देखो, उसने शायद वो छुपाई भी थी। तो ये ना सारे डायमेंशन वायमेंशन सब बता रहा होता है कि ये कब खींची है, पब्लिश 2019 में हुई है, और फ्री फॉर यूज़ अंडर अनस्प्लैश लाइसेंस, ठीक है। अब अनस्प्लैश लाइसेंस क्या होता है वो उस पर क्लिक करके पढ़ देना, लेकिन वो मोस्ट प्रॉब्ली वो यही होगा कि आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्रेडिट दे दें तो अच्छी बात है, ना भी दें तो कोई मसला नहीं, इस तरह का ही कुछ होगा इसमें, ठीक है। ये जो बंदा है जिसने ये फ़ोटो खींची है या जिसका जो ऑनर है वो इधर है, सही है, इस पर क्लिक करके आप इसको अगर हायर करना चाहें तो आप हायर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ने ये लिखा हुआ भी है कि आई एम अवेलेबल फॉर हायर, तो आप इसको मतलब हायर करके, आपने अगर शादी वादी की फ़ोटो खिंचवानी है तो आप खिंचवाएँ इससे, सही है। देखो ये इसने ना रेस्टोरेंट की ही खींची हुई है सारी फ़ोटोज़, हाँ ये इसकी स्पेशलिटी जो है ना वो रेस्टोरेंट फोटोग्राफी है, फूड फोटोग्राफी ना। हाँ नहीं और भी किया हुआ इसने, सही है, ठीक है, बस अभी काफ़ी है इतना अच्छा तो ये हमने थोड़े से ना इमेज के बारे में मज़ीद डिस्कशन कर ली कि भाई इमेज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। स्टोरिंग इमेज इन योर साइट, अच्छा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में ना एक फोल्डर होना चाहिए इमेज का। अगर मैं कोड ओपन कर लूँ अपना तो वहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, अच्छा जैसे मेरे पास ये जो वेबसाइट है ना फोल्डर नंबर 3 और इमेजेस, तो इसके अंदर इस वेबसाइट में जितनी इमेजेस है उसको मैंने फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मेरे पास ज़्यादा इमेजेस होंगी, ऑब्वियसली होंगी, वो छोटे छोटे आइकन्स और बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो बहुत रश लग जाएगा, तो बेहतर ये है कि उसको एक अलग फोल्डर में ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो वो यही इस पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा ख़ुद से भी। अच्छा अब ये इन्होंने यहाँ पे पहला इमेज लगाना बताया, इसमें एक तो SRC का एट्रीब्यूट दिया इन्होंने जिसमें सोर्स बताना चाह रही है, उसके अलावा ALT करके एक अल्टरनेट का एट्रीब्यूट दिया है। अल्टरनेट का एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर किसी वजह से इंटरनेट के या किसी भी दूसरे इशू से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो सकी तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है एटलीस्ट, सही है। अच्छा अगर तो इंटरनेट बिल्कुल ही बंद हो गया तो ये टेक्स्ट भी डिस्प्ले नहीं होगा, फिर तो पूरा पेज ही डिस्प्ले नहीं होगा ना। तो और स्क्रीन रीडर को भी जी पिक्चर JPEG होनी चाहिए ना, ज़रूरी नहीं होनी, ये मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा, JPEG होनी चाहिए अदरवाइज, अच्छा सिस्टम PNG को भी लोड कर तो लेता है ज़्यादा, मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इमेज किसी भी, ये आप जो बात कर रहे हो ना वो इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं डिफरेंट ना, JPG PNG GIF SVG होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो जिन जो जो मेजर ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है, ये ब्राउज़र के सपोर्ट की बात है। तो अभी वो उन फॉर्मेट्स को हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे। वेल तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो नज़र आ जाता है, अच्छा उसके अलावा टाइटल है, एक नीचे पट्टी बनी हुई आ जाती है इस तरह से, कुछ ब्राउज़र्स में ये होता है कि आप हाथ रखोगे तो वो टूल टिप के तौर पे नज़र आ रहा होता है थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आप पास कर सकते हैं, और आप सब लोग तकरीबन ये लगाकर पहले ही देख चुके हैं, ठीक है।
ठीक है, हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज है जी। नहीं देखो, ये इन्होंने सवाल किया है कि आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किस फोल्डर में पिक्चर्स पड़ी हुई हैं सारी। तो जब भी आप पिक्चर लगाओगे, जैसे ये आईएमजी लगाया था मैंने, तो यहाँ पे एसआरसी में मैंने बताया है ना कि img/car.jpg, ठीक है, तो आईएमजी का फोल्डर है। अगर आईएमजी नहीं होता फोल्डर, कोई और नाम होता तो मैं यहाँ पर वो बात लिखता। देखो फोल्डर तो कंप्यूटर में ही होता है, वीएस कोड में तो कोई फोल्डर नहीं होता, सही है, फोल्डर हमेशा होता कंप्यूटर में ही है। लेकिन ये इस पर ओपन हुआ हुआ होता है जस्ट लाइक अ टेक्स्ट एडिटर। आप ऐसे इमेजिन करें कि नोट पैड पर आप कोई फाइल खोलते हैं अगर, तो वो फाइल नोट पैड में तो नहीं होती, होती तो कंप्यूटर में ही है, वो जस्ट नोट पैड पर ओपन हुई भी होती है। तो इसी तरीके से ये जो फोल्डर है ये आपके कंप्यूटर में बना हुआ है। अच्छा, हाइट एंड विड्थ के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली थी कि इमेज जिस साइज़ की आपको दिखानी है स्क्रीन पे एग्जैक्टली उसी साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट विड्थ हम क्यों लगाते हैं, ताकि जब HTML रेंडर हो तो वो उस इमेज की जगह उतनी छोड़ के रेंडर हो, चपक चपक के रेंडर ना हो जाए और बाद में पूरी वेबसाइट हिलते हिलते नीचे ना आए। वेयर टू प्लेस इमेज इन योर कोड, आपको अपने कोड में इमेज को कहाँ पे प्लेस करना बेहतर है। Where an image is placed in code will affect how is displayed. Here are three examples of image and placement. कह रहा है कि before paragraph, inside और start paragraph and the middle of paragraph. कह रहा है कि इस तरह से display होगी। Image जो है वो एक inline element है, ठीक है। Inline element हमने दो तरह के element देखे हैं, inline और block. एक block element जो होता है वो क्या करता है, पूरी जगह लेता है, जो चौड़ाई है screen की वो पूरी लेता है। अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसकी लाइन में नहीं जाता, बल्कि अपनी लाइन खुद स्टार्ट करता है, न्यू लाइन, और अपनी लाइन में किसी और को आने भी नहीं देता, उसको नीचे धकेल देता है अगली लाइन में, ठीक है। जैसे कि H1 हेडिंग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पैराग्राफ है, अच्छा हेडिंग 1 से लेकर 6 तक सारे ब्लॉक लेवल हैं, पैराग्राफ है, और कौन सा है, HR जो एक HR इटसेल्फ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जब भी वो पूरी जगह ले लेता है। और बताओ कोई ब्लॉक लेवल, BR भी ब्लैक लेवल है, डिव भी ब्लॉक लेवल है, सही है। तो ये बहुत सारी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल। दूसरा जो होता है इनलाइन, इमेज इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है कि वो जहाँ उसको जगह मिलती है ना वहीं खड़ा हो जाता है, चाहे वो पैराग्राफ के पहले हो, पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले हो, चाहे पैराग्राफ के अंदर हो शुरू में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर पहली चीज़ जो है वो इमेज है, और उसके बाद से टेक्स्ट शुरू हुआ तो उसके बाद से चल पड़ा, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ के मिडल में अगर मैं लिखता हूँ तो देखो मिडल में भी ये इमेज अपनी जगह खड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये कोई ओल्ड कोड इन्होंने डिस्कस किया जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी ओल्ड कोड है, ओल्ड कोड को हमें छोड़ देना चाहिए फिलहाल के लिए। अच्छा, अब ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा है, ये बात करके हम आज की क्लास को शायद यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम आगे दूसरी क्लास में बाकी का काम करेंगे। थ्री रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेज, देयर आर थ्री रूल्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर क्रिएटिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट विच आर समराइज बिलो। कह रहे हैं तीन रूल हैं जो नीचे हमने बता दिए, आप देख लें उसको। वी गो इनटू ग्रेटर डिटेल ऑन ईच टॉपिक ओवर द नेक्स्ट 9 पेजेस। कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगले 9 पेजेस तक इसी की बात होगी, डिटेल में होगी। नंबर एक, सेव द इमेज इन राइट फॉर्मेट। अब ये राइट फॉर्मेट का क्या चक्कर है, इन इमेजेस को देखें जरा। ये कह रहे हैं कि ये जो इमेजेस है ना, ये JPEG फॉर्मेट में, या इसको JPEG भी कहते हैं, उसमें बेस्ट है ये। इन इमेजेस को गौर से देखें। वेन एवर यू हैव मैनी डिफरेंट कलर्स इन अ पिक्चर यू शुड यूज अ JPEG, अ फोटोग्राफ दैट फीचर्स स्नो और एन ओवरकास्ट स्काई माइट लुक लाइक इट हैज लार्ज एरिया दैट आर जस्ट वाइट और ग्रे। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्नो है ना या ऊपर आसमान, ऐसा लग रहा है कि सफेद सफेद ही तो है सब कुछ, ठीक है, बट द पिक्चर इज
यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स दैट आर सबटल डिफरेंट। कह रहे हैं कि ये ना असल में क्या है, ये वाइट पूरा वाइट नहीं है, ये थोड़े 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 डिफरेंट है, हर पिक्सल डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, ये वाइट के बहुत सारे हज़ारों शेड हैं। तो इस तरह की जहाँ पे कहानी आती है तो वहाँ पे हमारे लिए क्या बेस्ट है, वहाँ पे हमारे लिए जेपैग बेस्ट है। ठीक है, ये कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं जेपैग की। ठीक है, ये दीवार है, ऐसा लग रहा है वाइट कलर की दीवार है, लेकिन इसमें हम गौर से देखें तो छोटे छोटे बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, ये जो ब्रिक्स हैं, ये जो आसमान दिख रहा है ऐसा लग रहा है वाइट है, लेकिन जब इसको हम गौर से देखते हैं तो इसमें थोड़े थोड़े बादल भी हैं, हल्का हल्का सा चेंज है, तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं। हाँ, जेपैग बहुत अच्छा सवाल किया कि जेपैग क्या होता है। जब हम इमेज देखते हैं ना कोई सी भी, देखो ये इमेज है, इसके लास्ट में देखिए ना जेपीजी लगा हुआ है, ये इसका फॉर्मेट है इमेज का ना। अब ये फॉर्मेट क्या चीज़ होता है कि किस तरह से बनी हुई है इमेज, इंटरनली इमेज काम कैसे कर रही है। ठीक है, आमतौर पर जो जेपैग होते हैं ना, ये क्या होता है, इसका एक इन्होंने बड़ा अच्छा नाम इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, लीनियर बिट मैप होता है। सही है, वापस आ जाते हैं इधर। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने शायद तुम लोगों को बनाकर दिखाया था, वो पेंट पे बनाकर दिखाया था मैंने कि जो जेपैग इमेज है वो पिक्सल से बनी हुई होती है ऑब्वियसली। तो हर पिक्सल के अगेंस्ट जो है ना तीन कलर्स होते हैं, ये एक पिक्सल हो गया, मैं 9 पिक्सल्स की एक इमेज बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, राइट, 2 पिक्सल हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। सही है भैया, पिक्सल थोड़े थोड़े आगे पीछे हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, बात समझ आ जाएगी होपफुली। तो ये मैंने ना एक जेपीजी इमेज बनाई है, कितने पिक्सल की है, 4 पिक्सल भाई, 4 पिक्सल की। अच्छा, हर पिक्सल के अगेंस्ट ना आरजीबी की 3 वैल्यू होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो मिसाल के तौर पे जो पहली वैल्यू होगी मेरे पास, मिसाल के तौर पे 100 है कॉमा, दूसरी वैल्यू, पहली आर हो गई रेड की वैल्यू, दूसरी ग्रीन की वैल्यू, ग्रीन मैंने का फुल है 255, और तीसरा जो है मेरे पास वो ब्लू होगा, ब्लू मैंने कहा ब्लू बहुत कम है 50 है। ठीक है, तो ये आरजीबी की 3 वैल्यू होती है हर पिक्सल के पीछे, हर पिक्सल के अगेंस्ट। तो ये कलर कौन सा बना है भाई, दबे वाइट नहीं है ये, हम अभी देखते हैं ना इसमें जाके क्या है, 100, 255 और 50। ये गूगल भी स्मार्ट है ना आजकल, कुछ इस तरह का कलर बना है ये, एक मिनट, 100, 255 और 50 कन्वर्ट, ये बना है कलर, ग्रीन इसमें फुल है। ठीक है, आर जी और बी, तो इस कलर का ये पिक्सल बना है। अब इसी तरह हर पिक्सल के पीछे क्या क्या हो गया, 3 कलर्स होंगे तो ये बनेगा जेपीजी इमेज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बिट मैप कहते हैं, इस तरह की चीज़ को। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जिफ इमेज जो है ये इस तरह से सेव नहीं होती है, इसका ये मतलब हुआ ना। अच्छा, आगे चलते हैं, जिफ इमेज के बारे में ये क्या कह रहे हैं, यूज़ जिफ और पीएनजी फॉर्मेट व्हेन एवर इमेजेस विद फ्यू कलर्स और लार्ज एरिया ऑफ द सेम कलर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर इलस्ट्रेशन है, इसमें जो रेड है ना ये वाला, ये पूरा रेड है, एक जैसा ही रेड है, ये अलग अलग शेड नहीं, ये फोटोग्राफ नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन है ये, इसमें सेलेक्ट करके इतने को रेड किया हुआ है पूरे को। ठीक है, तो जब आप इस तरह की इमेजेस को अगर जिफ में सेव करते हैं तो ये इमेज निस्बतन क्या होती है, साइज़ में छोटी होती है, क्योंकि इसको बिट मैप के तौर पर सेव नहीं किया जाता पिक्सल बाई पिक्सल, इसका डेटा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो कहते हैं यार इतने सारे पिक्सल हैं इसका कलर रेड है, इतने सारे पिक्सल है इसका कलर वाइट है, तो इस तरह से कुछ कहानी हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास क्या है, जिफ और पीएनजी। अब जिफ और पीएनजी भी 2 फॉर्मेट्स है ना, दोनों में से कौन सा वाला, मतलब कह रहे हैं ये दोनों के लिए सूटेबल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं,
when a picture has an area that filled with exactly the same color, it is known as flat colors. तो flat color वाली जो images होंगी ना, logos, illustrations, diagrams often use flat colors. जैसे ये वाली जो drawing है या ये वाला जो logo है, इसमें काफ़ी सारे flat colors हैं. ये जो ब्लैक है, पूरी आँख ब्लैक ही है, इसमें अलग अलग शेड नहीं है. ठीक है, नोट दैट फोटोग्राफ ऑफ स्नो, स्काई और ग्रास आर नॉट फ्लैट कलर्स. जो आसमान की फोटो, दैट इज नॉट अ फ्लैट कलर, उसमें छोटे छोटे डिफरेंट बहुत सारे शेड हैं. दे आर मेड अप ऑफ मैनी सब्टली डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम कलर. ठीक है, आर नॉट सूटेड फॉर GIF और PNG. ठीक है, तो अगर उस तरह की फोटोग्राफ को मैं PNG में सेव करने की कोशिश करूँगा तो वो इमेज का साइज बहुत ही लार्ज हो जाएगा, क्योंकि PNG इमेज को उस तरह से ट्रीट नहीं करता पिक्सल बाई पिक्सल. उसको ट्रीट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. अब वो चीज़ हम कवर नहीं कर पाएंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है. हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज PNG में बेस्ट है. अच्छा, अबे यार क्या बकवास है. हाँ, अब यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है कि भाई GIF और PNG में क्या चक्कर है. तो इन्होंने ये बताया कि इफ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज, अब GIF के अंदर और PNG के अंदर क्या होता है कि एक कलर ट्रांसपेरेंट भी होता है. ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं इमेज को. मिसाल के तौर पे ये जो इमेज बनी हुई है, इसके आप देखें आर पार दिख रहा है. इमेज कभी भी ऐसी नहीं होती, इमेज हमेशा स्क्वायर होती है, क्योंकि इमेज का साइज़ क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो साइज़ होता है कि भाई 1000x1000 की इमेज है, तो हमेशा स्क्वायर होती है. लेकिन ये स्क्वायर नहीं दिख रही है, ये दिख रही है प्लस के जैसी. तो इसका मतलब ये कि इसका इतना पार्ट जो है यहाँ वाला, वो ट्रांसपेरेंट है. अच्छा, तो ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अच्छा ये दोनों में, GIF में भी और PNG में भी. तो कह रहे हैं कि इफ़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज हैज स्ट्रेट एजेस एंड इट्स 100% ट्रांसपेरेंट, यू कैन सेव द इमेज एज GIF. GIF ठीक है, दो मिनट में भेजता हूँ. कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट एजेस है ना अगर, और 100% ट्रांसपेरेंट है, नहीं सेमाई ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर वो GIF के लिए सेट है, बेस्ट है. तो ऐसी इमेजेस को अपने GIF में सेव करना है. उसके अलावा अगर उसके एजेस डायगोनल हैं, देखो ये वही प्लस है बट ये 45 डिग्री पे इसके एजेस हैं, तो ये डायगोनल GIF के लिए प्रोप्रिएट नहीं है. ये आपने PNG में करनी है. या आपके एजेस राउंड हो, स्ट्रेट हो ही ना, ठीक है, या आपका जो इमेज हो सेमाई ट्रांसपेरेंट हो या सेमाई ओपेक हो, जो भी कह लो इसको आप. ठीक है, या उसमें पीछे आपके शेडो वगैरह कुछ लगा हुआ हो. तो इस तरह की जो चारों पॉसिबिलिटी है, ये किस में सेव होगी? ये PNG में सेव होगी, ये GIF के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, और सिंपली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर PNG ही इस्तेमाल करते हैं, GIF इस्तेमाल ही नहीं करते. ठीक है, ऐसा भी अगर आप रूल ऑफ थंब बना लें, क्योंकि GIF जो है वो इंतहाई नैरो उसका एक पॉसिबिलिटी है जिसके लिए GIF अप्रोप्रिएट है. ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो सिंपली आप PNG का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें डिटेल पता चल गई कि कहाँ पे JPG का इस्तेमाल होगा तो बेस्ट रहेगा, कहाँ पे PNG और कहाँ पे GIF. तो ये तीन मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. अभी आप सब लोग नमाज पढ़ने चले जाएँ, वापस आके हम 10-15 मिनट की और जो डिस्कशन है वो करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया था कि फॉर्मेट कौन सा किस तरह की इमेज के लिए बेस्ट होता है. स्क्रीन नहीं आ रही, लगा दो. ऑडियो वन मिड लेफ्ट डिस्टस. अच्छा, इमेज के डायमेंशंस की अब जरा बात कर लेते हैं कि द इमेज यू यूज ऑन योर वेबसाइट शुड बी सेव्ड एट द सेम विड्थ एंड हाइट that you want them to appear on the page. अभी मिसाल के तौर पे आपने जो इमेज लगानी है वो लगानी है अपने बैनर के तौर पे, जैसे फेसबुक में पीछे बैनर इमेज होती है या वॉल इमेज कहते हैं जिसको, या कवर फोटो भी आजकल कहने लगे, एक ही चीज़ है नाम चेंज हो रहा है. तो इस तरह की पोर्ट्रेट फोटो अगर आपने उसको लैंडस्केप में लगानी है तो आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको क्रॉप कर दें. ठीक है, लेकिन क्रॉप करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि इस इमेज में इसको क्रॉप करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कुछ में हो जाता है पॉसिबल, इसमें नहीं है. तो इसमें अगर इसको हम क्रॉप करते हैं तो इसका
इमेज की जो डिटेल्स हैं वो मिस हो रही हैं, तो हमने इमेज की डिटेल्स को लूज नहीं करना है। या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हम फिर क्या करेंगे, इसके साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो जो कि वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, सम टाइम कुछ इमेजेस लैंडस्केप में होंगी, आप पोर्ट्रेट में लगाना चाह रहे होंगे, लेकिन उसको भी आप क्रॉप नहीं कर सकते, या वाइट स्पेसेस आपको लगाना अगर चाहें, ठीक है। इफ़ वी एड एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द इलस्ट्रेशन द बैकग्राउंड इज नॉट कंटिन्यूड, सही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा अलग से एक स्पेस आया है। हाँ, सेम कलर करना अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो भी समटाइम पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना एक टेक्सचर बना हुआ है, ये एक्चुअली प्लेन कलर नहीं है, सही है, इन्होंने जानबूझ के, तुम्हारा जो है ना वो इनके जहन में था, तो इन्होंने जानबूझ के ऐसा एक टेक्सचर लगाया है कि आप इस टेक्सचर को कंटिन्यू जाहिर है नहीं कर सकते, इतनी आसानी से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक लंबा फोटोशॉप सेशन आपको चाहिए होगा अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो, या मे बी आप वो टेक्सचर ही हटा दें सिरे से, ठीक है। एक्चुअली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये आमतौर पे इलस्ट्रेशन नहीं हो, फोटोग्राफ भी तो हो सकती है, तो फोटोग्राफ को कंटिन्यू कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो AI वगैरह आ गई है, वो कंटिन्यू कर देते हैं बैकग्राउंड को, लेकिन वो भी एक इमेजिनरी होता है, वो एक्चुअल नहीं होता और वो इतना परफेक्ट नहीं है, है? हाँ, तो आपने करना क्या है, आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखता है उसको क्रॉप करते हुए कि आपकी डिटेल लूज ना हो जाए। तो अब ये इमेज रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, कि द इमेज क्रिएटेड ऑन द वेब शुड बी सेव्ड एट रेजोल्यूशन 72 PPI। ये कह रहा है भाई आपको इमेज जो सेव करनी है ना वो 72 पे करनी है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, द हायर रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द साइज ऑफ द फाइल, कि जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा आपकी इमेज का साइज उतना हाई होगा, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पेज को लोड होने में स्लो करवा देगी, वो इमेज लोड होगी देर से। तो अभी यहाँ पे वो वाली भी बात आ गई है बिटमैप वाली, कि JPG, GIF एंड PNG बिलोंग्स टू अ टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट नोन एज बिटमैप, दे आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ मिनिएचर स्क्वायर दैट इज पिक्सल ऑफ कोर्स, द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट फिट्स विद इन 1 inch by 1 inch स्क्वायर एरिया। एक इमेज मेरे पास बनी हुई है स्क्रीन पर, उसके 1 inch by 1 inch के अंडर जितने भी पिक्सल आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड उसका PPI नंबर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो मॉनिटर स्क्रीन हैं, जैसे कि ये मॉनिटर स्क्रीन रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ या मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये मुझे ना एक सामने रेजोल्यूशन लिख कर देता है, हाँ, एंटरिंग पावर सेव मोड ही बोल रहा है डायरेक्टली, वेल पता नहीं कैसे आता है वो, लेकिन सम टाइम आपने देखा होगा कि जब अब कोई नॉर्मल किस्म के मॉनिटर्स होते हैं ना, जब वो क्या होते हैं ऐसे ही बंद पड़े हुए होते हैं, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि यार 1024 by 1600 ऐसे करके। तो वो एक्चुअली पिक्सल बता रहा होता है कि इसमें एक्चुअल LCD का पिक्सल कितना है। अब ये 72 का क्या चक्कर है भाई, 72 क्यों, कंप्यूटर डिस्प्लेज इमेज एट रेजोल्यूशन ऑफ 72 पिक्सल पर इंच। अच्छा, अब ये कंप्यूटर्स तो बोल दिया इसने, लेकिन ये हर कंप्यूटर, जाहिर है हर कंप्यूटर की बात नहीं होगी, जो कुछ जदीद डिवाइसेस हैं उसका जो पिक्सल पर इंच है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे आईफोन में शायद 500 pixels per inch तक वो जा चुके हैं अभी नए वाले में, तो उसके अलावा भी जो नॉर्मली जो डेल के HP के जो अच्छे वाले लैपटॉप हैं उसमें भी एटलीस्ट 200-250 PPI तक उसमें हार्डवेयर लेवल पे सपोर्ट होता है। हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है उसको सिमुलेट करता है लोअर रेजोल्यूशन पे। मिसाल के तौर पे जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरे पास जो इस वक्त लैपटॉप मौजूद है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली वो कितना है यूं, उसमें सम काइंड ऑफ 3000 है कुछ 2500 है और ऐसे 1600 है काइंड ऑफ, लेकिन अब अगर मैं राइट क्लिक करके उसमें जाऊँ ना इमेज की प्रॉपर्टी में, नहीं ऐसे जाएगा डिस्प्ले सिस्टम डिस्प्ले जहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा होता है, ओके कैसे जाएगा, कहाँ चला गया डिस्प्ले, गुम कर दिया हमने सब। हाँ, तो ये ना डिफरेंट रेजोल्यूशन यहाँ पे बता रहे हैं,
तो देखो मेरे पास जो रेजोल्यूशन अभी सेट हुई है ना वो 1440 हुई हुई है एक्चुअली, तो हार्डवेयर लेवल पे तो मेरे पास है 2500 पिक्सल है, लेकिन वो सिमुलेट हुए मैं 1440 के ऊपर, ठीक है ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 1680 तक मैं जा सकता हूँ, उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे जाने नहीं दे रहा है, रोक रहा है, सही है। और मैं मिनिमम किस पे 1024x640 पे आ सकता हूँ मिनिमम, ठीक है। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो बताएगा ना मेरे ऐप को वही पता चलेगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1440 है, अगर 13 इंच की स्क्रीन है मेरी ऐसे, मतलब 13 इंच तो डायगोनल है ना, मतलब क्रॉस में 13 इंच है, ऐसे सीधा हमने कितना मेजर किया था, ये 9 इंच है और 11 इंच है ये, ऐसे यूँ, ठीक है। मेरी ये 9 इंच की बालिश है और इससे कुछ शायद 2 इंच बड़ा आ रहा है। तो अगर मैं ये 1440 पिक्सल जो है, असल में इसको मैं चेंज नहीं कर सकता वरना ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग रोक देगा, लास्ट टाइम हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो ये 1440 जो है इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा किससे, 11 इंचेस से, तो ये 130 काइंड ऑफ ये लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो PPI इस वक्त है सॉफ्टवेयर लेवल पे 130 PPI तक मेरी स्क्रीन है, जा सकती है, लेकिन स्टिल जो मोस्ट कंप्यूटर्स हैं उसमें 72 तक होती है, क्योंकि 72 पिक्सल पर इंच जो है ना उससे ज़्यादा ह्यूमन आइज को फील नहीं होता इतना, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे इन्होंने ये बात बताई भी है कि मतलब इतना 72 तक जो है ना वो ह्यूमन आइज के लिए फिर उसके ऊपर सेम ही है, उसके ऊपर का इतना फील नहीं होता। तो इस तरह का कुछ केस है जिसकी वजह से 72 पिक्सल को स्टैंडर्ड पे सेट किया गया है। तो अगर कोई इमेज प्रिंट होने जा रही है तो उसके लिए 300 DPI स्टैंडर्ड है, और अगर इमेज स्क्रीन पे नज़र आने लगी है तो उसके लिए 72 पिक्सल पर इंच है, ठीक है, स्टैंडर्ड है जो भी, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट दैट कंप्यूटर डिस्प्लेज आर कैप्ड एट रेजोल्यूशन ऑफ 72 PPI। कैप्ड का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ सॉफ्ट फ्लैट हेड, ओके गॉट इट। मतलब ये कैप्ड का मतलब ये है कि इतने पे आके मतलब सेट दिखता है, ओके दिखता है, बिल्कुल स्मूथ दिखने लग जाता है। मतलब एक सीन अगर है उसमें आसमान अगर ऐसे ग्रेडियंट है उसमें, तो वो ग्रेडियंट स्टेप स्टेप फील नहीं होता, वो ऐसे एनालॉग फील कराने लग जाता है। तो कैप्ड का मतलब ये, ठीक है। यूजिंग द इमेज ऑन द वेब विद हायर रेजोल्यूशन विल रिजल्ट इन नॉट बेटर इमेज क्वालिटी। कह रहा है इससे ज़्यादा भी आप लगाओगे ना वेब के ऊपर तो इमेज की क्वालिटी आपको बेहतर नहीं दिखेगी स्क्रीन पर, वही दिखेगी, ठीक है। ओनली इन लार्जर फाइल साइज विच विल इंक्रीज द टाइम नीड टू लोड दम। कह रहा है कि इससे सिर्फ ये होगा कि फाइल आपकी बड़ी हो जाएगी और उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा उसको लोड होने में। वेल अच्छा, तो ये तो हो गया एक बिट मैप इमेज की बात हो गई कि जिसमें पिक्सल वाइज चीज़ें कहानी चल रही होती है कि भाई हर पिक्सल के पीछे 3 नंबर्स होंगे। एक होती है वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम बिट मैप इमेजेस, आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। पहली बात तो ये, इसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है, इसमें पिक्सल्स ही नहीं होते तो रेजोल्यूशन भी नहीं होता। वेक्टर इमेजेस आर कॉमनली क्रिएटेड इन प्रोग्राम्स सच एज इलस्ट्रेटर या कॉरल ड्रॉ, इस तरह की जो वेक्टर ग्राफिक की है जैसे, या ऑटो कैड, ठीक है। ऑटो कैड भी एक ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर पे चलता है, ठीक है। तो वेक्टर ग्राफिक होती है वो, और 3D में होती है, और थोड़ा उसको मतलब प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स के लिए आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता ऑटो कैड को, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर जो है ऑन अदर एंड वो वेक्टर पे चलता है और वो ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, बहुत फेमस है। कॉरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर के आने से पहले जो कॉरल ड्रॉ बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इसी सेम चीज़ को करने के लिए। तो वेक्टर ग्राफिक में असल में होता क्या है कि जो इमेज होती है ना उसके असल में एंगल्स और डिग्रीज और डिस्टेंस को उसमें सेव किया जाता है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को ये जिक्र भी कर रहे हैं कि व्हेन अ इमेज इज लाइन ड्राइंग सच एज लोगो इलस्ट्रेशन और डिज़ाइनर विल ऑफन क्रिएटेड इन वेक्टर फॉर्मेट। अच्छा, वेक्टर फॉर्मेट में बनाने का कुछ और भी फायदे होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे लोगो है। अब हमें नहीं पता होता कि कल को ये लोगो हमें कितने बड़े साइज में चाहिए हो सकता है। अभी तो वेब में हमें चाहिए 512x512 साइज, क्योंकि जो छोटा सा लगेगा साइड पे लगेगा, दिखता रहेगा। लेकिन मे बी कल को हम उसका कोई टी शर्ट बनाए तो शायद बड़ा करके पीछे बैक पे उसके लगा दें लोगो। मे बी कल को हमारा कोई इवेंट हो तो हमें 10 मंजिला इमारत के ऊपर ऐसे इतना बड़ा लोगो लगाना पड़े, ठीक है। मे बी कल को कोई मैच हो रहा हो ग्राउंड में तो हमें ऐसे ग्राउंड में पूरा बिछा दें हम, जो ड्रोन से दिखे,
काफ़ी ऊंचाई से दिखे वो, इस तरह का, तो वो लोगों कितने बड़े साइज में इवेंचुअली हमें चाहिए हो सकता है ये हमें पता नहीं। तो इसलिए वेक्टर में इसको ना कोशिश करते हैं डिज़ाइन कि हम उसमें ही बनाएं इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि वो बाद में उसको हम जितना भी बड़ा कर लें जितना भी छोटा कर लें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे यार जितना भी बड़ा कर लें वो पिक्सेलेट नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा इसीलिए होगा कि इमेज वेक्टर इमेजेस आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड एंड ड्रॉइंग लाइंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। कह रहा है कि वो उस पॉइंट्स कर लेगा कि कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, रेशो उसका सेट कर लेता है। अब आप उसको दूर करें करीब करें उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बीच में लाइंस होती हैं, जैसा कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी किया इसने, ठीक है, कि भाई एक मतलब जो इमेज का एक सेंटर है वहाँ से इतने डिस्टेंस पे एक लाइन शुरू करो, उसको इतने कर्व से घुमाओ, इतने डिग्री पे घुमाओ, ऐसे करके सेव किया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज सेव होती है जो ब्राउज़र पर दिखाने के लिए अगर आपको वैक्टर इमेज चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड SVG इमेज, ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। बनेगा तो इलस्ट्रेटर पे, इलस्ट्रेटर का जो फॉर्मेट होता है वो काइंड ऑफ .ai होता है शायद, तो .ai तो डायरेक्ट स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, ठीक है, वो सिर्फ फोटोशॉप पे ही खुलेगा या इलस्ट्रेटर पे ही खुलेगा, लेकिन आपने अगर स्क्रीन पे डायरेक्ट उसको डिस्प्ले करना है या फेसबुक पे अपलोड करना है या अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तो उसको आप SVG में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको आप JPG में करेंगे तो वो पिक्सल में ही बनेगा, फिर वो फिर बड़ा छोटा होने में वो मतलब उस तरह से वो जो पिक्सल वाला होता है ना उसको एक तो बिट मैप कहते हैं, एक और भी उसका नाम है रास्टर ग्राफिक। तो अगर आपने इलस्ट्रेटर पे बनाया है और आप उसको JPG में सेव करेंगे तो वो स्टिल वो रास्टर पे ही जाएगा और वो बड़ा करने से पिक्सेलेट होगा, ठीक है, क्योंकि उसको देखते हुए उसका पिक्सल वाला वर्जन वो क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपने इलस्ट्रेटर पे बनाया है जो कि वेक्टर पे चलता है और आपने एक्सपोर्ट भी उसको एक वेक्टर फॉर्मेट में किया है जो कि SVG है, तो फिर उसको आप जितना भी बड़ा करें जितना भी छोटा करें उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक वेक्टर ग्राफिक हम ज़रा खोल के भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि SVG इमेज, तो हमारे पास कोई SVG इमेज आ जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी, ये एक SVG इमेज है मेरे पास। अब इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ, तो अब आप देखें इसको मैं जितना भी जूम करूँगा ना इसकी जो एजेस हैं ये शार्प ही रहेंगे, सही है। अच्छा, जैसा कि आपको देख के फील भी हो रहा होगा कि ये शार्प ही रहेंगे और हर तरह की इमेज ना इस पर बन भी नहीं सकती, ठीक है, इस पर कुछ ऐसी ही इमेज बनेगी जिसमें लाइंस और मतलब मिसाल के तौर पर कोई बंदे का फेस है तो बंदे का फेस भी फिर इस तरह ही होगा। वो बंदे का फेस अगर हम इलस्ट्रेटर पर बनाते हैं और ऐसा वाला बनाते हैं तो फिर वो कैसा बनेगा? वो कुछ हमें इस तरह का बनेगा, ह्यूमन फेस अगर SVG पे होगा ना तो वो काइंड ऑफ इस तरह का होगा, ठीक है, तो वो इस तरह का होगा। अब आप इसको जितना भी बड़ा करते रहिए पिक्सेलेट नहीं होगा, वो बिल्कुल रियलिस्टिक वाला फेस जो है वो शायद इसमें उस तरह से ना बन पाए, ठीक है, कुछ इस तरह वाला फेस बनेगा। एक वो कतर में ना जो क्या है कतर का जो शायद क्या नाम है उसका, वो जगह जगह ना उसने अबे क्या नाम है उसका आई नहीं रहा, वो जगह जगह ना वहां उन्होंने लगाई हुई है, पता नहीं क्या उसका नाम है, हाँ ये जो बंदा है ना शेख तमीमी, ये तमीमी की ना उन्होंने फोटो लगाई भी होती सब जगह, यार जो रोडों पे बड़े से फोटो बनाते हैं उसका कोई क्या बोलते हैं, वाल्च, हाँ बिलबोर्ड, बिल बोर्ड तो नहीं, असल में वो वॉल के ना चॉकिंग करके उन्होंने बनाया हुआ होता है। और चल जा भाई, अबे अभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, हाँ स्ट्रीट आर्ट लिखता हूँ,
ये वाली फ़ोटो जो है ना आपको वहाँ पे हर जगह, हर बिल्डिंग पे, हर बड़े शारा पे ना कहीं ऐसी फ़ोटो आपको नज़र आ जाती है बनी हुई। तो अगर SVG में बनेगा ना तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर ये देख रहे हो, बड़ी मुश्किलों से मिला है भाई। क्या इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा था मैंने, तो स्ट्रीट आर्ट लिखा तो है, ठीक है। वहाँ पे हर जगह भाई इसकी बनी हुई है, पता नहीं क्यों, पता नहीं बाकी अरब मुल्कों में भी होती होगी शायद। UAE में किसकी लगाते हैं, सब जगह एक ही लगी हुई है ना। अच्छा, एक जिफ होती है एनिमेटेड जिफ। एनिमेटेड जिफ जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्लाइड्स होती हैं और उसको सर्टेन वो चेंज हो रही होती है फ्रीक्वेंटली ना, वो स्लाइड चेंज हो रही होती हैं। तो एक इन्होंने इमेज की एग्जांपल दिखाई है कि इसमें 8 स्लाइड्स हैं और वो स्लाइड चेंज होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये लोडर घूम रहा है। यूट्यूब में पहले इस तरह का कुछ लोडर होता था, अब तो उन्होंने वो गोल वाला लगा दिया। तो वेल, तो जो जिफ इमेजेस होती हैं, एनिमेटेड जिफ इमेजेस, दैट इज नथिंग बट एन इमेज, 8 अलग अलग इमेजेस और वो चेंज हो रही होती हैं, तो आपको ऐसा घूमता हुआ दिख रहा होता है। हाँ, बंदा जो चल रहा है ना, वो एक्चुअली 8 अलग अलग स्लाइड्स, तो उसमें कुछ ऐसे पट्टी चलती हुई दिख रही है, ऐसे कुछ चमक रहा है। ईद मुबारक भेजते हो ना, चमकता हुआ ईद मुबारक, वो इसी से होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किसी भी लगी हुई वेबसाइट की इमेज को अगर एग्जामिन करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं कि राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब करो, उसको सेव कर लो। सेव करके आप क्या करोगे, जैसे अगर हम जो गूगल इमेजेस पे भी हम क्या कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं कि ये एक इमेज है, इस पर राइट क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लिया, और वो मतलब फुल रेजोल्यूशन में नहीं दिखा रहा ना यहाँ पे, ये ओपन इमेज इन न्यू टैब किया ताकि ये फुल रेजोल्यूशन में आ जाए। उसके बाद सेव इमेज एज करके डेस्कटॉप पे सेव करने का ऑप्शन आ गया, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। वंस ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, मैं अब डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ये है वो इमेज, राइट क्लिक करूंगा, गेट इन्फो पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें, मैक पे या लिनक्स पे तो गेट इन्फो होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे ये इमेज का साइज़ बता रहा है, इसका फॉर्मेट बता रहा है कि भाई ये जेपीईजी इमेज है, जेपीईजी इमेज है, और इसका डायमेंशंस बता रहा है कि कितने पिक्सल बाई कितने पिक्सल की है, RGB कलर पे ये चल रही है, और कुछ मजीद डिटेल्स। अच्छा, इसके ऑनलाइन टूल्स भी कुछ आते हैं, इसमें मुझे ये मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारी डिटेल नहीं बता रहा, मुझे ये नहीं बता रहा कि कौन से कैमरे से खींची हुई इमेज है, ठीक है। इमेज के मेटा डाटा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे यहाँ पे ये नहीं बता रहा है। तो इस तरह की ना और भी ऑनलाइन क्या कहते हैं टूल्स होते हैं हमारे पास, जिसके ज़रिए हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इमेज मेटा डाटा व्यूअर ऑनलाइन, ठीक है। तो एक ये मेरे सामने एक आ गई है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाकर ना मैं उस इमेज को जब दूंगा ना तो ये मुझे सारा मेटा डाटा दिखा देगा उसका, जो भी यानी उसके अंदर डिटेल्स है ना। ये देखो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया और मेरे पास डेस्कटॉप पे अभी अभी जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी वो इधर लगा दी मैंने। तो ये मुझे जितना भी पॉसिबल मेटा डाटा होगा ना, कितने PPI है, कितना रेजोल्यूशन है, क्या है, वो सब दिखा देगा, ठीक है। फुल मेटा डाटा पे जाकर जब मैंने क्लिक किया, देखो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये। जिस डिवाइस से ये खींची गई है वो हेलमेट पैकेट की HP की डिवाइस थी कोई, ठीक है, ये भी मुझे बता रहा है ये, और मुझे कैमरे का नाम नहीं बता रहा जस्ट ये। हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ कि PPI बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो काफ़ी कुछ मुझे बता रहा है ये, राइट, 72 PPI है ये रहा रेजोल्यूशन में, ये 72 इसने लिख कर मुझे बता दिया कि एक्स रेजोल्यूशन 72 है और वाई रेजोल्यूशन भी 72 है, ठीक है। तो आप इस तरह करके भी इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, अगर आपको नॉर्मली वो नहीं नज़र आ रहा ना सही तरह से, तो आप यहाँ इस तरह की वेबसाइट में जाके भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि ये फ़ोटो एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मेटा डाटा बता रही होती हैं, ठीक है। ये ना मेटा डाटा 2 EXIF डेटा, इस तरह करके बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं। मैं किसी एक और वेबसाइट में जाके भी इसको अपलोड करता हूँ इमेज को, तो मुझे आप देखेंगे कि कुछ इसी तरह का जो है ना ये डेटा पकड़ा देगा, ठीक है। देखो ये सारा डेटा मुझे इसने बता दिया, ठीक है। X रेजोल्यूशन, Y रेजोल्यूशन 72,
बिट्स पर सैंपल, कलर कंपोनेंट, साइज, फॉर्मेट, ठीक है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे हम जो है थोड़ी सी इमेज की कोडिंग है वो करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बल्कि कंप्लीट ही हो गया। इसमें फिगर कैप्शन एक टैग है, बस इसको देख लेना। इसमें ये होता है एक लाइन नीचे लिखी भी आ जाती है फिगर कैप्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म है, और ये वाला जो इसने लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, कोशिश करना कि ये वाला प्रोजेक्ट आप बना लें, ठीक है। रेसिपी की एक वेबसाइट, भाई बिरयानी तो सभी खाते हो ना, तो हाउ टू मेक अ बिरयानी की एक वेबसाइट, या किसी को अगर सूप बहुत अच्छा बनाना आता है आप में से, तो हाउ टू मेक अ बेस्ट चाइनीज सूप, या कोई भी जो भी रेसिपी है आपकी, तो हर बंदा ना अपने अपने पसंद की कोई एक रेसिपी चुन के उसकी ऐसी वाली वेबसाइट बना ले, सही है। एक और बना लो, क्या हो गया, सही है। ये जो हमने चीज़ें सीखी है ना, देखो पहले जो तुमने रेसिपी की वेबसाइट बनाई थी और अब जो बनाई है, अब जो बनाओगे स्टॉक इमेजेस से फ़ोटो उठा के, फ़र्क होना चाहिए ना पहले वाली में और अभी वाली में, क्योंकि अब तो सीख गए हो, पहले तो ऐसी रैंडमली बनाई थी, तो ये सीख के बना हुआ ना अलग नज़र आना चाहिए, फील होना चाहिए कि अच्छा यार आप बंदे ने सीख के समझ के बनाया है, ठीक है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली क्लास में। तुमने कोडिंग में पिक्चर लगाई, उसको तुमने गिटहब में पब्लिश कर दिया, जी एच पेजेस में वो इमेज नज़र आ गई, जी एच पेजेस में जो होस्टिंग का लिंक आया था उसमें वो दिख रही है इमेज, कोई और खोलता उसको नहीं दिखती, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये पूछ रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक मिनट यार, इसको मसला बड़ा गंभीर मसला है, मुझे दिखा सकते हो अभी कोई ऐसा इमेज का यूआरएल? चलो मुझे लिंक भेजो अभी अभी, अगर है निकालो साइड में बैठ के लैपटॉप अपना, लैपटॉप लेकर आ जाना ना जुम्मे वाले दिन, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास दिख रही है इमेज और फिर वो किसी और के पास ना दिखे होस्टिंग के बाद, तो अगर मुझे दिखा सकते हो तो मुझे दिखा। हाँ, तुम्हें क्या सवाल है तुम्हारा? सर मैं ये पूछ रहा था, चलो हमें जब हम वेबसाइट में हमें एक साइज़ पे डालिए 400 पिक्सल की हाइट हो गई थी, तो हमें हम जो पिक्चर हम डालनी है वो हमें पहले से उसी साइज़ पे सेव करनी है, पहले से उसी साइज़ पे सेव, तो जब हमने पिक्चर सेव करेंगे तो वो तो अलग साइज़ पे होगी ना, तो हम उस साइज़ पे कैसे लेंगे? अच्छा, ये तुम्हारा बड़ा अच्छा सवाल है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। इमेज का साइज़ रिड्यूस करना मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे विर्थ था ना हाइट का, एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप या फोटोपिया करके, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्ट, फोटोपिया बताऊंगा जो सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, तो मैं इमेज का साइज़ रिड्यूस करना मैंने बताना था, मेरे जहन में नहीं रहा, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना इमेज का साइज़ रिड्यूस कैसे होगा। जैसे स्टॉक इमेजेस से मैंने जो डाउनलोड की इमेज वो तो 2 MB की इमेज है, तो अब 2 MB की तो इमेज नहीं लगेगा, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वेबसाइट के लिए, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको करना पड़ेगा, वो मुझे याद दिला देना, सही है।